हिमाचल प्रदेश को आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। इन जख्मों को भरने के लिए हिमाचल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 1,000 करोड़ मनरेगा के तहत भी डंगों के निर्माण के लिए दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने आपदा के लिए राहत राशि को कई गुना बढ़ाने की घोषणा की है। ये विशेष पैकेज 7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपदा से हुए नुकसान पर ही मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि विशेष राहत पैकेज के मैनुअल में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपदा से कच्चे पक्के 1300 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। उनके लिए सरकार अब 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपए की राहत के साथ बिजली पानी मुफ्त और सरकारी दाम पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा 13,000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले ये राहत कच्चे मकान पर 4,000 जबकि पक्के मकान पर 6,500 रुपए थी। भूमिहीनों, झुग्गी झोंपड़ी वाले इत्यादि को जिनके मकान गिर गए हैं उनके लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्रों और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि पर घर बनाने के लिए जमीन देगी। फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत के लिए 1,021 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को जारी किए हैं। वहीं 750 करोड़ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत जारी किए जा रहे हैं। 1,000 करोड़ मनरेगा के तहत घरों की दीवारों को लगाने के लिए खर्च होंगे। गौशाला के निर्माण के लिए 3,000 की जगह 50,000, गाय भैंस की मौत पर 37,000 से 55,000 और भेड़ बकरी की मौत पर ये राशि 4,000 से 6,500 रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार ने बजट से 1,850 करोड़ जारी किए हैं जबकि 1,021 करोड़ रुपए की राशि कल जारी की जाएगी। नए आपदा मैनुअल के हिसाब से घरों के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र से विशेष राहत पैकेज के तौर पर अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।